तरफ से जो बरकत का वादा है, मुस्तदरक अल हाकिम जिल नंबर 2 हदीस नंबर 182 में, इन आदमुन निकाही बरकतन ऐसरुहुन्ना मोनतन, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम से कम हो। तो आप कोई भी खर्चा बढ़ा लेते हैं तब आपकी मर्जी है, आप बरकत चाहते हैं या फिर आपके अरमान चाहते हैं, अब आपके हाथ में फैसला है। तो बरकत चाहिए तो यकीनन जिंदगी में लड़का लड़की के लिए बरकत बहुत अहम होती है। जहां तक दूसरा सवाल है, आमतौर पर लोगों के पास मुसलमानों में यह गलत फहमी पाई जाती है कि वालिदैन की हर बात माननी चाहिए, इताअत करनी चाहिए, जबकि आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो टोटल कुरान मजीद इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। कुरान मजीद में इताअत करने के लिए भी कहा गया वालिदैन की, और कुरान मजीद में वालिदैन की नाफरमानी करने के लिए भी कहा गया। अगर आप पढ़ेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 23, सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 के आयत नंबर 15 और 16 के अंदर कहा कि अगर वालिदैन तुम्हें शिर्क की दावत देते हैं, शिर्क की तरफ बुलाते हैं, बुत परस्ती की तरफ बुलाते हैं, नाजायज कामों की तरफ बुलाते हैं, जहेज मांगने के लिए उभारते हैं, और इसी तरह फजूल खर्ची के लिए और शादी के मौके पर ज्यादा खर्चा करने के लिए उभारते हैं, तो वला तुतियहुमा, तो उनकी इत्तेबा मत करो, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, अलबत्ता उनके साथ हुस्ने सलूक करो। तो इस तरह अगर वालिदैन आप देख रहे हैं कि नाफरमान है या वालिद साहब नाफरमान है, सलूक अच्छा करेंगे लेकिन उनकी बातों की इत्तेबा नहीं करेंगे, हम सिर्फ इत्तेबा करेंगे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके अलावा कायनात में किसी और की इत्तेबा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से टकरा जाए, हरगिज हम उसकी इत्तेबा करने वाले नहीं है, यह अकीदा रखना चाहिए। जहां तक तीसरा सवाल है, तो वह आप अपने किसी करीबी उलमाए किराम या वहां की जो कमेटी है वहां पर तफसील से आप सुनाइए, क्योंकि आपने जितना मसला सुनाया है उसकी बुनियाद पर हम कुछ भी आपको ना मशवरा दे सकते हैं ना आपको फैसला सुना सकते हैं, क्योंकि मशवरा उस वक्त पर दिया जाएगा जबकि बात मुकम्मल मालूम हो। तो लिहाजा ये मुनासिब नहीं है शरई एतबार से कि हम आपको कोई मशवरा दे या कोई भी बात कहें, आप अपने करीबी उलमाए किराम से रुजू होकर व वहां के कमेटी वालों से रुजू होकर अपना मसला सुनाइए, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाए। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखना चाहता हूँ कि जो नौजवान तबका है वो दहेज देना नहीं चाहता है, लेकिन शादी में उनको दहेज दे दिया जाता है। जी जी। हेलो हेलो जी बताइए। सवाल मैं बता देता हूँ कि जो नौजवान तबका है जी वो शादी में दहेज लेना नहीं चाहता। हाँ जी। लेकिन दहेज शादी के वक्त उनको दहेज दे दिया जाता है। अच्छा जी। तो उस वक्त ये सब जायज है क्या? अच्छा जी, अपना नाम और है मेरा जी बताइए। इनकम टैक्स के ताल्लुक में है जी, वो ये है कि इनकम टैक्स बचाने के लिए जी हम नौकरी पेशा लोग जो है अच्छा जी वो पीपीएफ में या एलएससी में पैसा जमा करते हैं जी जी, तो उसमें फिर 10,000 की एलएससी लेने के बाद में वो फिर 15,000 होकर मिलता है जी जी, इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या वो सब जायज है? अच्छा जी, बेहतर बेहतर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन सवालात बेशुमार आ रहे हैं और SMS भी हमें मौसूल हो रहे हैं, लेकिन आइए नाज़रीन चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, इस उम्मीद के साथ के इस वक्फे के बाद यकीनन आप और हम साथ साथ होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है, आइए एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इनायत अली खान बोल रहा हूँ भोपाल से। इनायत अली खान साहब भोपाल से? जी। बड़ी इनायत की आपने जो कॉल किया हमें। जी, जी मेरा सवाल है जी कि जो है मस्जिदों को जगने की रात जगह सजाते हैं बहुत सारा, अच्छा क्या ये फिजूल खर्ची में आता है? और जो है तीन जगने की रातों को जगाते हैं सजाते हैं जी, वो और एक सवाल था दूसरा के जो है मौता में जो जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है जी, उसमें चार तकबीरात बोलते हैं, पहली तकबीर में हमने सुना सना लेकिन सना पढ़ना, लेकिन जो है हमको दूसरी किताब में बुखारी शरीफ में पढ़े के जो सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है, ये दो सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। ब्रेक से पहले नाजरीन एक सवाल हमें मौसूल हुआ था जिसमें कहा गया था कि नौजवान ऐसे बहुत सारे हैं जो शादी में जहेज नहीं लेना चाहते हैं लेकिन शादी के बाद उन्हें जहेज फिर भी मिल जाता है, ऐसी सूरत में वो क्या करें? और इनकम टैक्स से मुताल्लिक उन्होंने सवाल किया था जैसे GPF PPF वगैरह IPF,
तो इसमें पैसा वगैरह कटाते हैं इनकम टैक्स से बचने के लिए, और वो बाद में चलकर कुछ जायद पैसा मिलता है, क्या वो भी सूद के हक में आता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दो सवाल जो ब्रेक से पहले हुए थे, एक सवाल तो ये था कि बाद नौजवानों को जहेज पहले नहीं दिया आता लेकिन शादी के बाद दिया आता है। मैं आपको बताऊंगा इसकी कुल मिलाकर जहेज से मुताल्लिक। जहेज उस माल को कहते हैं जो लड़की के वालिदैन या लड़की की तरफ से या लड़की के जिम्मेदारों की तरफ से लड़के को मालिक बनाने के लिए दिया जाता है, उसको जहेज कहते हैं। अगर लड़की के वालिदैन लड़की को देते हैं, जैसे कि सोना देते हैं, चांदी देते हैं, लड़की के पहनने के लिए कपड़े देते हैं, ये जहेज में नहीं आता, वो तो जायज है। लड़की जिस बात की मालिक होगी वो आते आते अपना माल भी लाएगी, वालिदैन की तरफ से तोहफे मिलेंगे तो वो ला सकती है। लेकिन वो माल जो लड़के के यूज में आएगा, जैसे पलंग है, अलमारी है, बहुत सारे ऐसी चीज ऐसे जैसे गाड़ी है या घर है, फ्लैट है, लड़के को मालिक बनाया जाता है वालिदैन की तरफ से शादी के मौके पर, इसको कहते हैं जहेज। और ये हराम है क्योंकि इस्लाम में जो भी इनकम के रास्ते बताए गए कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि ये भी एक इनकम का रास्ता है कि दूल्हा शादी करे और बोले मैं दूल्हा बन गया लिहाजा अब मुझे भी इनकम चाहिए, वालिदैन से, लड़की के वालिदैन से या उनके सरपरस्तों से कहे कि मुझे पैसा मिले, ये कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो डाका देनी है, ये तो चोरी है। आप हरासमेंट कर रहे हैं, शादी करने के बजाय दूल्हा जाकर डाका देनी कर रहा है। और बाद लोग कहते हैं नहीं हम तो चोर नहीं है, हम तो छुप छुपा कर रहे हैं, हम तो बंसवर कर जाकर मुतालबा करते हैं, तब तो ये डाका जनी हुई, दिन दहाड़े जाकर डाकू बनकर हमला करते हैं और बाकायदा रौब जमा कर। तो इसकी जो शक्लें बनती है, एक शक्ल तो ये है कि बालो डायरेक्ट मुतालबा करते हैं कि हमको जहेज में यदि आ जाए ये मुतालबा हराम है। बाद लोग थोड़े से शर्मीले होते हैं जहेज मांगना, थोड़े से गुलाबी टाइप के होते, हम तो नहीं लेते लेकिन हमारे खानदान में फलां को जाता है कि इज्जत की बात है, आप अपनी मर्जी से दीजिए, ये जरा गुलाबी टाइप के जहेज मांगने वाले ये शर्मीले लोग भी हराम काम कर रहे हैं। तीसरे ये है कि वालिदैन अपनी तरफ से मजबूरी में आकर के मुआशरा क्या कहेगा कि इकलौती लड़की है, एक लड़की है, क्या ऐसा बैंकरप्ट हो गया है या पापर हो गए, क्या तुम्हारे पास माल कोई उठाकर ले गया, हो सकता लोग बदनाम करेंगे, या कल के दिन डौरी केस डालने में आसानी होगी लिहाजा डौरी तो देना है। लड़की के वालिदैन अपनी तरफ से चाहकर नहीं देते, मुआशरे के प्रेशर में आकर या साजिश के तौर पर कि कल के डौरी केस तो डाल सकते हैं हम, ये सारे चीजें भी हराम। अब मसला यह है कि अब शादी हो जाती है, रजामंदी से भी अगर शादी के वक्त पर भी दिया जाए तो इससे बचना चाहिए क्योंकि रस्म बनते जा रही। अलबत्ता शादी होने के बाद लड़की के वालिदैन लड़के को कुछ तोहफे में कोई चीज अगर देना चाहे तो ये तोहफा है, लेकिन इस्लाम में तोहफे का उसूल यह है कि दो तरफा होना चाहिए, सिर्फ लड़का लेता है तो यह नहीं चलेगा, लड़के को भी चाहिए जब जब लड़की के वालिदैन को तोहफा देता रहे, अगर तोहफे का मतलब है तो यह अंदाज में जायज है। तो यहां तक भी मसला निकला कि आपको वादे हो गया कि जो भी अगर जहेज शादी के वक्त पर तो नहीं दे रहे हैं लेकिन एक महीने के बाद बदनामी से बचने के लिए दीनदार घर को जहेज भिजाया जा रहा है जो पहले तय हो चुका है, तो जाहिर बात है वो भी तो ऑब्लिगेटरी में ही आया, वो भी तो जरूरी में आया, वो भी जायज नहीं। पहले तय हो चुका हो बाद में आ रहा हो तब भी वो जायज नहीं। और जहां तक दूसरा मसला है कि इनकम टैक्स से बचने के लिए, अगर जिस मुल्क में आप रहते हैं वहां का कानून आपको ये इजाजत देता है कि इनकम टैक्स से बचने के लिए आपकी जो तनख्वाह होती है उसकी में से जो पैसा काटा जाता है, अगर आप इंश्योरेंस वगैरह करवाने की बुनियाद पर आपका यह पैसा बच जाता है, अगर कहीं पर कानून आपको ये सुविधा देता है तो बेहतर तो ये है कि आप इंश्योरेंस में हाथ ना डालें। क्यों? इसलिए कि इंश्योरेंस इस्लामी एतबार से वो हराम है, जायज नहीं है। अब आप अगर उसको यूज करेंगे गोया के एक हराम सिस्टम को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी सैलरी और अपने पैसों को बचाने के लिए मजबूरी में इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो बेहतर तो ये है कि आप अपनी सैलरी की कुर्बानी थोड़ी दे दें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि चूंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर माइनॉरिटी में है, हलाल तनख्वाह या हलाल कमाई पहले से कम मिलती है, अब अगर आप वो हलाल कमाई को बचाना चाहते हैं कानून की मदद लेते हुए, ऐसे आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं